करीब 5 महीने बाद वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत रविवार से हो गई है। सुबह 6 बजे से ही यात्री माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। हालांकि दर्शनार्थियों में ज्यादा भीड़ स्थानीय लोगों की ही है, बाहरी श्रद्धालु अभी कम है। कोरोना के चलते इस बार यात्रा में विशेष सावधानी बरती जा रही है। यात्रियों के टेम्परेचर जांच के लिए ऑटोमेटिक मशीन लगाई गई है और इन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है, इसके बाद ही आगे जाने दिया जा रहा है। वैष्णो देवी की यात्रा का पारंपरिक मार्ग बाणगंगा है। यहाँ स्थित दर्शनी गेट से यात्रा शुरू होती है। यहाँ से माँ के दरबार की दूरी करीब 14 किलोमीटर है। यात्रा शुरू करने से पहले श्राइन बोर्ड के CEO रमेश कुमार ने तैयारियों का जायजा लिया। इस बार यात्रा के लिए पिट्ठू और खच्चर की व्यवस्था नहीं है, पैदल ही मास्क लगाकर 14 किलोमीटर की यात्रा करनी है। किए गए, एक तो प्रॉपर सभी प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए हैं जो कि JNKUT की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की ओर से, MHA की ओर से गू गाइडलाइन रखी गई है, उनको सबको फॉलो किया गया है। यहाँ पर क्राउड ना हो किसी तरीके से, उसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रखा गया है। वो सभी यात्री को जो आएगा उसको थर्मल स्कैनिंग से स्कैन होकर जाना पड़ेगा और यहाँ पर मेडिकल टीम भी रखी गई है। यदि किसी भी तरीके का थर्मल स्कैनिंग में आता है तो उनको इमीडिएटली मेडिकल टीम इन्वेस्टिगेट करेगी और जो भी यहाँ पर आएंगे, जो आउटसाइडर्स आएंगे, उनकी 100% सैम्पलिंग की जाएगी। नेगेटिव सैंपल होगा उसी को ले जाया जाएगा। माता के चरण में हम हाजिरी देने जा रहे हैं। हम लोकल हैं, जम्मू से आए हैं। तो जैसे COVID-19 की हम सबको मालूम हो गया, 4-5 महीने हो गए हैं जहाँ पे यात्रा सस्पेंड थी, बंद थी। तो माता ने जहाँ पे सबको, पहला ग्रुप है जे, हम लोग पहले लोग हैं जम्मू से जहाँ पे जो माता के चरणों में हाजिरी देने आए हैं। बाकी COVID-19 की जितने नर्म्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो जहाँ की बोर्ड है, उन्होंने पूरा तरह नर्म्स किया है। सैनिटाइजर सिस्टम लगा हुआ है, जहाँ पे थर्मल मैजिंग सिस्टम लगा हुआ है। प्रॉपर ऑनलाइन पर्ची है, जहाँ पे वही जो रजिस्टर लोग होंगे, जो श्रद्धांजलि है, वही माता के दर्शन के लिए जाएंगे। यात्रियों की हेल्थ जांच के लिए मेडिकल टेंट और डॉक्टरों की टीम तैनात करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक यह व्यवस्था शुरू नहीं हो सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरमान न्यूज।